फाइन, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि है क्या। सिंपल डिस्कशन हो रहा है, प्रेजेंटर अपने टॉपिक बताएंगे, टॉपिक के बाद वो स्लाइड मतलब अगर कुछ शेयरिंग मटेरियल है वो शेयर करेंगे और अपना पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद आखिरी के जो मतलब एक्सप्लेनेशन ख़त्म होने के बाद 2 से 5 मिनट अगर किसी के डाउट हों तो वो डाउट लेंगे हम, और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंटर पर चलेंगे। इन बिटवीन अगर जैसे कुछ बोल जैसे अगर डाउट होता है ना कि अगर साउंड नहीं आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, तो आप किसी से भी पूछिएगा, कोई भी बता देना कि सही, क्योंकि कई बार क्या होता है दूसरी तरफ से जो प्रेजेंटर है उन्हें ये पता नहीं होता कि हमारी तरफ से सही प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं, तो कोई भी बता देना, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से स्पीकर और वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। मैम आप प्रेजेंट करिए। ओके, तो पेनिसिलर रिबेलका कल थोड़ा बहुत बता दिया था आपको हर्ष ने। इसका जैसे इसमें कौन कौन सी रिवर्स आती है सीक्वेंस वाइज वो अपन थोड़ा देख लेते हैं। उसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने इसमें, वैसे पहले नर्मदा आती है, फिर तापी आती है, फिर गोदावरी, फिर महानदी, कृष्णा, देन कावेरी। तो इसका मैं जैसे मतलब NTG महा कृष्ण कावी, तो पड़ोस NTG, पड़ोस आंटी जी मतलब NTG महान कृष्ण कवि है, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो पी से अपनी पेनिनसुलर रिवर, NTG से पहले नर्मदा, देन तापी, और देन जी से गोदावरी, महान से महानंदी रिवर अपने आई जाएगी, कृष्ण कवि तो कृष्ण कवि तो कृष्णा रिवर और फिर कावेरी रिवर। अब सबसे पहले अपन आ जाते हैं नर्मदा बेसिन पर। तो जो नर्मदा वाली रिवर है ये अपनी अमरकांता हिल्स MP जहाँ सर रहते हैं वहां से ये राइज होती है। जबलपुर में इसके मार्बल रॉक्स हैं, और दुद्वारा फॉल जो है वो आर स्टीप रॉक है यहाँ का। और जो ये बेसिन कवर करती है, मतलब अपने पेपर में आया था शायद प्रीवियस ईयर में कि कौन सी रिवर अपन जैसे जाएंगे, ऐसा कुछ था कि दिल्ली से कर्नाटक आएंगे तो कौन सी रिवर बीच में नहीं आएगी, ऐसा करके कुछ एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में। तो अपन को चीज ध्यान देनी है कि कौन सी बेसिन कौन कौन से स्टेट को कवर कर रही है। तो जो ये नर्मदा है ये अपने MP और गुजरात को कवर करती है। फिर सेकंड जो है अपनी तापी रिवर, तापी रिवर जो है वो अपने सतपुरा रेंजेस में राइज होती है, दैट इज MP में राइज होती है ये भी, और ये नर्मदा के पैरेलल फ्लो करती है बट उससे नीचे है ये, उसके साउथवर्ड डायरेक्शन में है। और ये अपने MP गुजरात और महाराष्ट्र ये इस वाले रीजन को कवर करती है, MP गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन को। और इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो देख लेते हैं अपन एक बार। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज है साबरमती, माही, भरत पूजा और प्रयार इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। साबरमती, माही, भरत पूजा और प्रयार ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। फिर अपनी थर्ड बेसिन आ जाता है, दैट इज गोदावरी। NTG फर्स्ट हो गई नर्मदा, सेकंड तापी, थर्ड अपनी गोदावरी बेसिन। तो ये जो है ये अपने वेस्टर्न घाट में राइस होती है, वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र साइड, महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट में आता है अपना, तो वहां पर जो नासिक है वहां पर ये राइज होती है और ये एंड होती है बे ऑफ बंगाल में। अब ये कौन कौन से स्टेट कवर करती है, तो महाराष्ट्र वहां से तो राइज हो ही रही है, महाराष्ट्र के बाद ये MP होकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, देन फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। महाराष्ट्र, वहां से MP, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश में जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, और इसी की 3 ट्रिब्यूटरी है जिनको मिलाकर अपन कहते हैं दक्षिण गंगा। तो जो मंजरा, वेन गंगा और पेन गंगा है, इन तीनों को मिला के बोलते हैं अपन दक्षिण गंगा। और इधर ध्यान देना है कि ये दक्षिण गंगा कौन सी रिवर को बोलते हैं साउथ की, तो वो है गोदावरी। लाइक अपन गंगा की गोद में करके ऐसा कुछ याद रख सकते हैं, तो दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलते हैं अपन। फिर नेक्स्ट है इसका महानदी बेसिन।
जो महानदी बेसिन है ये अपने छत्तीसगढ़ के हाईलैंड में राइज होती है, और ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, फिर वहां से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ज्यादा मतलब ज्यादा स्टेट्स कवर नहीं करती, छत्तीसगढ़, वहां से उड़ीसा, फिर वहां से बे ऑफ बंगाल में। और सॉरी, मतलब इसका जो बेसिन कवर है वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा, इन चार स्टेट्स में होता है। फिर अपनी है कृष्णा रिवर, जो अपने महाबलेश्वर में राइज होती है। कल आपको हर्ष ने दिखाया था मैप में, महाबलेश्वर में राइज होती है ये, और इसकी ट्रिब्यूटरीज कल उसने बताई थी। थोड़ी इसकी ट्रिक देख लेते हैं एक बार। जैसे एक इसमें थंगा भद्रा है, कैयन है, और घाट प्रभात है, और मूसी और भीमा। तो अपन ऐसे जैसे थंगावली, काहे, भीम, मुझसे, घाट प्रभात करी, तो थंगाबली से अपन को थंगा भद्रा याद रहेगा, और काये से जो ये कायन रिवर है वो याद रहेगी, और भीम से भीमा याद रहेगा, और मुझसे तो को आपको मुस्सी करके आप रिलेट कर सकते हैं, और घाट प्रभात से तो घाट प्रभात रिवर का नाम ही है, और ये है किसमें, करी, तो करी से कृष्णा। और ये कौन कौन से स्टेट्स कवर करती है, तो ये आपके महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश को कवर करती है ये। फिर अपनी लास्ट है कावेरी, जो लास्ट में आती है। ये अपने ब्रह्मगिरी वेस्टर्न घाट में राइज होती है, और फिर ये तमिलनाडु से होकर बे ऑफ बंगाल में जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, अमरावती, भवानी, हिमावती, काबिनी, तो सारी जो वती वती वाली है ना ये कावेरी में है। भवानी, अमरावती, हेमावती, कवानी, ये सारी कावेरी बेसिन की है अपनी। और ये जो कौन कौन से बेसिन कवर करती है, तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये कवर करती है। और जो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, जॉग फॉल्स, वो भी कावेरी रिवर के साइड में ही आता है। दैट्स इट फॉर माय एंड, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये जो आज का दिव्या मैम का, कल ये प्लेट्यू वाली रिवर्स का जो बच गया था साउथ इंडिया वाली, वो भी कवर हो गया। आशा मैम आप क्या क्या कवर करवा रहे हैं? इंडियन क्लाइमेट में साउथ वेस्टर्न मॉनसून कवर किया है, रिट्रीटिंग मॉनसून जो विंटर सीजन में होता है वो कवर किया है, और उसके बाद एलनीनो कवर किया है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से कवर किया है 11th की, तो उसमें लानीना के क्वेश्चंस भी नहीं मिले मुझे ज्यादा, और लानीना उसमें कवर भी नहीं था, तो मैंने एलनीनो पार्ट ही कवर किया है। गुड। और उसके बाद में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कवर किया है। एक मिनट माधुरी मैम, एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए आप। अच्छा मैंने रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कवर किया है, और इसमें मैं एंड हो जाएगा सर, मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे सारा कुछ। ओके चलिए। हाँ माधुरी मैम आप बताइए क्या बोल रहे थे। जो आशा दी बोल रही हैं, वो बोल रही हैं कि उन्होंने लानिनो और अलनिनो दोनों में से एक कवर किया है, तो मतलब मेरे पास दोनों हैं, तो एक वो कवर कर रही हैं, तो एक मैं कवर कर दूं, क्योंकि मैंने दोनों पढ़ रखे हैं। ओके ठीक है, तो लानीना फिर आप कवर करेगा, आशा मैम से शुरू करते हैं, फिर आएंगे माधुरी मैम पर। तो आशा मैम स्पीकर गोज टू यू, आप कंटिन्यू करिए। इंडियन क्लाइमेट से स्टार्ट करते हैं, पहले मुझे बता दीजिए मेरी आवाज क्लियर है ना। हाँ सर कंटिन्यू। तो वेदर ऑफ क्लाइमेट का डिस्कस मैंने लास्ट वर्ल्ड क्लाइमेट में उसमें भी डिस्कस किया था, मैंने एक डाल दिया तो वो पढ़ लीजिएगा। इंडियन क्लाइमेट से स्टार्ट करते हैं, तो इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट वर्ड मॉनसून जो अराइज हुआ है, अपने अरेबिक वर्ड मौसम से अराइज हुआ है। तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या
क्या डिफाइन करता है कि जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है, विंड डायरेक्शन है, ये बताता है कि इंडिया के मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं. वो फैक्टर्स पहला है रिलेटेड टू द लोकेशन एंड रिलीज, और दूसरा फैक्टर है रिलेटेड टू द एयर प्रेशर एंड विंड. पहले हम लोकेशन एंड रिलीज को देखेंगे. लोकेशन एंड रिलीज में पहले आता है लैटिट्यूड. अब हर कंट्री का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन उसके क्लाइमेट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है. इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है इंडिया के क्लाइमेट पे. अब हम अगर मैप में देखें तो ये हमारा हो गया इंडिया. इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जो नॉर्थ वाला रीजन हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ये आ जाता है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन में. और जो साउथ वाला रीजन होता है ये आ जाता है हमारे ट्रॉपिकल जोन में. तो इस वजह से इंडिया का क्लाइमेट बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है. तो ये पहला रीजन हो गया कि लैटिट्यूड की वजह से क्या डिटरमाइन करता है इंडिया का क्लाइमेट. सेकेंड आ जाता है हम सेकेंड होता है हमारा हिमालयन माउंटेन. हिमालयन माउंटेन किस तरह से इसको इंडियन क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करते हैं. तो ये हमारे हिमालय हो गए. यहाँ पर हिमालय क्या करते हैं कि इफेक्टिव क्लाइमेट ऐसे शील्ड एक्ट करते हैं. क्या होता है जो वेस्टर्ली विंड्स होती है, इक्वेटर हो गया हमारे यहाँ पे इक्वेटर हो जाता है, तो वेस्टर्ली और ईस्टर्ली विंड्स होती है. तो ये विंड्स क्या करती है, जो नॉर्थ का पोल के जो पोलर विंड्स होते हैं, पोल के पोलर विंड्स जो होते हैं, जो एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स होते हैं, ये उनको इंडिया की तरफ लेके आती है. पोलर विंड्स इंडिया की तरफ आते हैं. हिमालयन माउंटेन्स क्या करते हैं, वो एज अ शील्ड एक्ट करते हैं, वो उन पोलर विंड्स को इंडिया में एंटर नहीं होने देते. अगर पोलर विंड्स एंटर हो जाते हैं तो इंडिया का क्लाइमेट बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता, मानसून पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता. लेकिन क्योंकि माउंटेन एज अ शील्ड एक्ट कर रहा है. नेक्स्ट वो कैसे शील्ड की तरह एक्ट करता है कि जो साउथ वेस्ट विंड्स होती है, मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आगे कि साउथ वेस्ट विंड्स का जनरेशन कैसे होता है. मतलब साउथ वेस्ट हमारी विंड्स होती है, अगर माउंटेन यहाँ पे नहीं होते तो ये विंड्स तो आगे चली जाती, ये विंड्स इधर चली जाती. तो ये जो मॉइस्चर कंटेनिंग विंड्स होती है, तो ये इंडियन कॉन्टिनेंट पे अपना वाटर शेड नहीं कर पाती. इस वजह से मॉनसून इफेक्ट होता. क्योंकि हिमालय एज अ शील्ड एक्ट कर रहा है, तो ये इन मॉनसून की जो विंड्स है इनको ट्रैप करके रखता है, इनको ट्रैप करके रखता है, और इनका वाटर शेड फिर इंडियन कॉन्टिनेंट में ही होता है. ये दो रीजन हो गए. नेक्स्ट रीजन आता है हमारा कि लैंड और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किस तरह से क्लाइमेट अफेक्ट होता है. इंडिया तीन साइड से ओशन से घिरा हुआ है, और एक बेसिक टर्म ये है कि जो लैंडमास होता है, यानी कि जो लैंड होती है, वो सोलर इंसुलेशन की वजह से बहुत जल्दी हीट भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है. लेकिन पानी क्या होता है, पानी जितनी धीरे से गर्म होता है उतनी धीरे धीरे वो ठंडा होता है. तो ये जो हीटिंग कंडीशन है, ये हीटिंग कंडीशन एयर प्रेशर को डिटरमाइन करती है. ये एयर प्रेशर सीजन टू सीजन वरी करता है. फॉर एग्जाम्पल समर में क्या होता है कि लैंडमास में लो प्रेशर हो जाता है और सी में हाई प्रेशर होता है. वही विंटर में क्या होता है, सी में लो प्रेशर होता है और लैंडमास में भी लो प्रेशर, जो वेस्टर्ली वाला एरिया लैंडमास है उधर हाई प्रेशर होता है. तो ये ITZZ के मूवमेंट की वजह से होता है, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी. तो ये हमारे लैंड और सी की वजह से हो गया कि किस तरह से ये मानसून का इफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैसे इफेक्ट करता है, दैट इज ये हमारा इंडिया है. अब इंडिया का जो कोस्टल रीजन है, इस कोस्टल रीजन से क्या होता है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत इक्विलेबल होता है. मतलब कि यहाँ पे दिन में और रात का टेम्परेचर, क्लाइमेट टू क्लाइमेट चेंजेस भी इतने ज्यादा वरी नहीं करते हैं. लेकिन वहीं अपन इनलैंड वाले रीजन में देखना है, तो ये डिस्टेंस है बहुत ज्यादा दूर है सी से. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की बात लेते हैं, तो दिल्ली में जब समर होती है तो एक्सट्रीम समर होती है, विंटर होती है तो एक्सट्रीम विंटर होती है. तो उसमें इनलैंड वाले जो रीजन है वहाँ का क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम होता है. वहीं हम कोस्ट में देखें तो वहाँ इक्विलेबल क्लाइमेट होता है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. ये इफेक्ट करता है. देन इंडिया की टोपोग्राफी जो है, जैसे कि यहाँ वेस्टर्न घाट्स हो गए, ये प्लेन्स हो गए, ये माउंटेन्स हो गए, तो ये सारी टोपोग्राफी इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं मानसून का
ऑनसेट और ऑफसेट ऑफ मानसून को बहुत डिटरमाइन करते हैं। ये तो हमारा हो गई लोकेशन और रिलीफ की वजह से कैसे डिटरमाइन करते हैं। सेकेंड हम आते हैं एयर प्रेशर और विंड पे। एयर प्रेशर और विंड भी क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन द सर्फेस। अब जैसे मैंने बताया था कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, यहाँ पे दो टर्म समझना बहुत जरूरी है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे ये डिवाइड कर रहा है इंडिया को, ठीक है, तो सोलर इंसुलेशन यहाँ पे हो रही है, यानी सन की डायरेक्ट किरणें यहाँ पे पड़ती है, तो उस वजह से क्या होता है, लैंड जल्दी हीट हो जाती है। अब दिन में क्या होता है, दिन में यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, किस वजह से, सन की रेज यहाँ पे डायरेक्ट हो रही है, लैंडमास हीट हो चुका है, लैंडमास हीट होने की वजह से जो एयर है, जो वहाँ पे एयर है, वो एयर अपर साइड मूव करती है, अपर साइड मूव करके वो ऊपर एटमोसफेयर में जाके डाइवर्ज हो जाती है। कैसे, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये जो एयर प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, ये लो प्रेशर जोन यहाँ क्रिएट होता है, उस वजह से क्या होता है, ये जो एयर है, ये एयर अपर एटमोसफेयर में ऊपर उठती है, और ये ऊपर उठ के ना ये डाइवर्ज हो जाती है, ये डाइवर्ज हो जाती है, तो यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। अब क्या होता है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो ये जो विंड हमारी ऊपर उठ के डाइवर्ज हो जाएगी, ये डाइवर्स होने के बाद में ऐसी कंडीशन देखती है जहाँ पे जाके ये सब्सिट कर सके, मीन्स वहाँ पे जाके वापस सेटल हो सके, तो ये डाइवर्स होकर हाई प्रेशर वाले जोन में जाके सब्सिट हो जाती है, सब्सिट हो जाती है, मीन्स यहाँ पे ये कन्वर्ज हो जाती है, विंड ये कन्वर्ज हो जाती है, तो ये सेटल डाउन होती है, तो ये हाई प्रेशर वाला लो प्रेशर में जाता है, इस तरीके से ये पूरा साइकिल जनरेट होता है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होती है। वापस यहाँ मैप में आते हैं, समझते हैं कैसे होती है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। दिन के टाइम पे सोलर इंसुलेशन हो रहा है, सोलर इंसुलेशन होने की वजह से लैंडमास हीट अप हुआ, अब लैंडमास हीट हुआ लेकिन सी का वाटर तो अभी तक हीट नहीं हुआ है, वहां पे हाई प्रेशर है, तो क्या होता है कि दिन के टाइम पे हवाएं लैंड की तरफ जाती है, तो उसे कहते हैं हम सी ब्रीज। वही रात के टाइम हम देखें तो रात के टाइम पे क्या होता है, उसे ब्लू से मैं ले रही हूँ, तो रात के टाइम पे क्या होता है कि अब दिन भर में पानी तो गर्म हो गया, अब रात के टाइम पे लैंड तो ठंडी हो गई जल्दी, लेकिन पानी ठंडा हो नहीं पाया है, पानी में भी लो प्रेशर ही है, तो रात के टाइम पे क्या होता है, जो लैंडमास की विंड्स है वो सी की तरफ मूव करती है, तो उसे कहते हैं सी ब्रिज। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के टाइमिंग और डायरेक्शन पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए समझना जरूरी था। अब ये जो प्रेशर डिफरेंसेस है, लैंडमास का हीट होना, विंड्स की डायरेक्शन, ये सब क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, और इसी की वजह से हम आगे देखेंगे कि यहाँ तिब्बतन वाले रीजन में भी लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, तो ये सब इंडिया के क्लाइमेट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। सेकेंड हम आ जाते हैं, ये जो है, ये सारी जो प्रेशर इवेंट्स है ये सरफेस पे हो रही है, लैंड के सरफेस पे हो रही है, अर्थ के सरफेस पे, लेकिन जो अदर फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो ये है कि जो जेट स्ट्रीम्स होती है, जो अपर सर्कुलेशन, जैसे कि अभी मैंने बताया जो लैंड स्ट्रीम्स है ना, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, वो तो सरफेस पे हो रही है, लेकिन जो जेट स्ट्रीम्स है वो अपर एयर में होती है, यानी 3 to 4 kilometers अपसाइड द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये बहुत ही फास्ट मूविंग विंड्स होती है। विंड्स कैसे होती है, तो इसमें अर्थ के रिवॉल्यूशन और रोटेशन की वजह से ये विंड अपर होती है, तो ये हमें एक मेंडर बनाते हुए स्लो करती है, जैसे ये मेंडर बनाते हुए स्लो करती है, क्योंकि कहीं पे लो प्रेशर है, कहीं पे हाई प्रेशर है, तो इस वजह से एक इनकी भी डायरेक्शन में चेंजेस होते हैं, इस वजह से ये स्ट्रेट के ऐसे मेंटरिंग वे में ये चलती है। तो ये जो जेट स्ट्रीम्स है, इन जेट स्ट्रीम्स के सर्कुलेशन की वजह से भी अपने इंडिया का जो प्रेशर क्लाइमेट वो डिटरमाइन होता है। और जो अदर रीजन है, एक जो प्रेशर विंड से रीजन क्रिएट होता है वो होता है हमारा एशिया में हाई प्रेशर जोन का क्रिएट होना, जो कि हम विंटर मानसून में देखते हैं, विंटर मानसून इसकी वजह से क्रिएट होता है, तो ये हम आगे और डिस्कस करेंगे। बेसिक हो गया कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं, कौन कौन से बेसिक टर्म्स होते हैं जिस वजह से इंडिया में मानसून की कंडीशंस क्रिएट होती है। तो हम समझते हैं कि आईटी सीजन क्या होता है। समर के टाइम पे जो साउथ वेस्ट मानसून होता है
वो मानसून के फैक्टर्स की वजह से जनरेट होता है, हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि साउथ वेस्ट मानसून कैसे इंडिया को हिट करता है। सबसे पहले पता है एंटी सीजन। एंटी सीजन क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। ये एक बहुत ही ज्यादा ब्रॉड ट्रफ होता है लो प्रेशर का। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न ट्रेड वे। समझते हैं ये हमने मान लिया इक्वेलिटी, सिर्फ ग्लोब इतना समझिए, ग्लोब पे जो मैं सोच रही हूँ उसके उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा इक्वेटर। आईटी सीजन क्या होता है? इसमें यहाँ पे ईस्टर्ली और ये वेस्टर्ली चलती है, इस तरीके से डायरेक्शन होता है, विंड का डायरेक्शन होता है ये। तो जो मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो नॉर्मल सिचुएशन होती है, नॉर्मल सिचुएशन में आईटी सीजन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच चला जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिकल इसका नाम ही ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, तो ये ट्रॉपिक के बीच ही होगा। नॉर्मल पोजीशन क्या होता है? ये बेल्ट ना इक्वेटर के पास होती है। अब इसके इक्वेटर इक्वेटर के पास में इसके रीजन है क्योंकि इक्विनॉक्स वाली कंडीशन होती है, यानी सन के रिवॉल्यूशन की वजह से मोस्ट ऑफ द इक्विनॉक्स कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है जब सन की डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है और एक कंडीशन होती है जब सन की डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है। बेसिक इक्विनॉक्स वाली कंडीशन होती है दैट इज मार्च और सितंबर में, सन की डायरेक्ट इंसुलेशन क्या होता है? इक्वेटर होता है। तो इस वजह से यहाँ पे आईटी सीजन रहता है। अब समर के टाइम पे क्या है? आईटी सीजन का अपर साइड यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करता है। तो ये जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करता है तो ये अपना जो पूरा प्रेशर है उससे ऊपर की साइड शिफ्ट कर देता है, ऊपर की साइड जब शिफ्ट करता है तो ये इंडिया में गंगा प्लेन्स के जो गंगा प्लेन्स के आसपास एक लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है। अब लो प्रेशर जोन क्यों क्रिएट कर रहा है तो इसको रिलेट कीजिए, मैंने अभी बताया लैंडमार्क हीट हो जाता है। अब जब सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट आ रही है तो लैंडमार्क हीट होगा, तो ये गंगा प्लेन्स में एक लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है। पहला फैक्टर हो गया जो अपने मानसून को इफेक्ट करेगा। ठीक है, सेकेंड फैक्टर पर अपन आते हैं तो ईस्ट ऑफ मेडागास्कर है ये जो वाला जो रीजन है। अब जैसे कि ये हमारा हो गया वेटर, ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे आई टी सी से ऊपर के, ठीक है, जैसे आई टी सी ऊपर हुआ तो जो क्लस्टर वाला रीजन है वहाँ पे सोलर इंसुलेशन आ नहीं रही है तो यहाँ होगा हाई प्रेशर जोन। हाई प्रेशर जोन क्यों होगा? सोलर इंसुलेशन में पानी ठंडा है, एयर प्रेशर ज्यादा हो गया, एयर प्रेशर ज्यादा होगा, हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। प्रेशर जोन को और ज्यादा इफेक्ट क्या करता है? एंटार्क्टिका का ठंडा पानी, वहाँ की ठंडी एयर, वो इस हाई प्रेशर जोन को और इफेक्ट देती है। तो ये जो हाई प्रेशर जोन है, ये हाई प्रेशर जोन क्या करता है कि जब आई टी सी जेड अपर साइड मूव हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मूव हुआ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मूव होने की वजह से प्रेशर बेल्ट भी सारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव हो गए। तो जो ईस्टर्ली विंड थी ये ईस्टर्ली इवेंट्स को जाना ऐसे था, ये ऐसे जाने वाली थी क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आईटी सीजन मूव हुआ तो ऐसे जाना था, बट ये ऐसे नहीं जाकर ये क्या करती है? लो प्रेशर जोन की तरफ डेविएट हो जाती इस तरीके से। और ये जो हाई प्रेशर वाला जोन है, ये हाई प्रेशर वाला जोन इन इवेंट्स को और ज्यादा फोर्स करता है लो प्रेशर जोन की तरफ। समझ आ गया? इसके बाद में थर्ड आता है, थर्ड सेक्टर पे हम आते हैं। थर्ड सेक्टर हो जाता है हमारा तिब्बतन प्लेट्यू वाला सेक्टर। वॉल्केनिक प्लेट्यू है तो ये सोलर इंसुलेशन को बहुत ज्यादा अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो ये लैंडमार्क हीट हो जाएगा, ये लैंडमार्क हीट हो जाएगा तो यहाँ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तिब्बतन वाले रीजन में लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, ये हो गया हमारे हिमालय। यहाँ से जो विंड्स आ रही थी जिन्हें मेडागास्कर का हाई प्रेशर विंड्स और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे थे, तो ये लो प्रेशर, इंटेंस लो प्रेशर ना ये मानसून को और इंटेंसिटी यानी इन साउथ वेस्टर्न विंड को और इंटेंसिटी अपनी ओर खींचेगा, तो ये फैक्टर हो जाता है। अभी हमने तीन फैक्टर देख लिए जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर को डिटरमाइन कर रहे हैं। एक लास्ट फैक्टर हो जाता है वेस्टर्ली स्ट्रीम का, मैंने बताया था ये सिर्फ
में होती है। का ये होता है जब आईपीसीसी ट्रॉपिक सेंटर पर मूव करते हैं ये रेड और नॉर्दर्न साइड चली जाती है, यानी ऊपर की साइड हो जाती है। जब ये वेस्टर्न ऊपर की साइड होती है तो ईस्टर्न सीजन आ रही होती है, स्पेस में जाती है कि वो इंडिया में एंटर करे, तो प्रेशर दूर के साइड एंटर करे। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि इंडिया में मौसम कैसे होने वाला है। अब हम सारी चीजों को समअप करते हैं और समअप करके देखते हैं कि इंडिया का मॉनसून, ऑनसेट ऑफ मॉनसून कैसे होते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ ले। मुझे मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। क्या अगर आवाज ब्रेक हो तो मुझे बीच में टॉप बोल दिया करो कि आवाज ब्रेक हो रही है, नहीं आ रही है। किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे कंटिन्यू। मैम आप आगे कंटिन्यू। आपने हेडफोन लगा रखा है क्या? सर ब्लूटूथ लगा रखे हैं। ओके ब्लूटूथ लगा रखा है, फाइन। ओके ओके रिमूव करूंगी तो फिर वो सराउंडिंग की आवाज ज्यादा आती है। ओके ओके ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करिए करिए। तो हम देखते हैं अनसेट ऑफ मॉनसून कैसे होता है। अब सारी पुरानी चीजों को रिलेट कीजिए कि हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, मॉइस्चर कंटेनिंग साउथ वेस्टर्न विंड्स आ रही है लो प्रेशर साइड की साइड। तो अप्रैल और मई में क्या होता है, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है लैंडमार्क बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। तो लैंडमार्क क्या करता है, साउथ ईस्टर्न ट्रेड अक्रॉस द इक्वेटर है उनको अट्रैक्ट करता है। साउथ ईस्टर्न ट्रेड कौन से, जो मैंने बताया था ईस्टर्लीज, ये जो यहाँ पे ईस्टर्लीज जा रही है, ये जो ईस्टर्लीज इधर जाती है ये उनको अट्रैक्ट करता है, तो ऐसे डेविएट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये साउथ साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड की वजह से ये साउथ वेस्टर्न मानसून आता है। साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड ये वाली, इनकी वजह से ये लो प्रेशर जोन की साइड अट्रैक्ट होती है, अट्रैक्ट होने की वजह से ये साउथ वेस्ट वाली होता है, फिर बाद में जाके बेसिकली होती है साउथ ईस्टर्न विंड। तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न ट्रेड डिफेक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, इक्वेटर को ये क्रॉस करती है 40 डिग्री ईस्ट टू 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, डिग्री और 40 डिग्री लॉन्गिट्यूड में ये यहाँ पे जाके इक्वेटर को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड एक रीजन हो गया। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालय के और नॉर्थ में चली जाती है, तो जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है उनको स्पेस मिल जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर होने की। तो ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है ब्रस्ट ऑफ द मानसून, क्योंकि ये इसलिए जेट स्ट्रीम्स की होती है जो डेली होके गई है। तो हम सारी चीजों को समअप करें और इंडिया के एंट्री ऑफ द मॉनसून को देखते हैं। तो इन सारी चीजों के बाद जो इंडिया में मॉनसून आता है, इंडिया में मॉनसून आता है जून के आसपास। तो जून के आसपास इंडिया में मॉनसून हिट करता है, तो वो सबसे पहले 1 जून को केरला कोस्ट यानी अराउंड 50 डिग्री के अराउंड, ये जो है ना 50 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के अराउंड ये जो विंड्स है ये हिट करती है इंडिया के कोस्ट। सबसे पहले वो केरला और वेस्टर्न कोस्ट में हिट करता है, उसके बाद वो अराउंड ये जो है ना ये यहाँ से पूरा इधर वाले रीजन में, इधर वाले रीजन में क्यों, क्योंकि विंड्स की डायरेक्शन ऐसी होगी तो वो यहाँ पे वाटर शेड करेगा, फिर वो ड्राई हो जाएगी विंड्स और मॉइस्चर उनका थोड़ा कम हो जाएगा तो वो बे ऑफ बंगाल से और मॉइस्चर कलेक्ट करेगी और मॉइस्चर कलेक्ट करने के बाद वो इधर नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में बारिश करेगी। अब यहाँ पर बताते हैं हिमालयस पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक पूरे कवर कर रहे हैं, तो ये एज अ शील्ड एक्ट करते हैं, तो ये पानी जो मॉइस्चर कंटेनिंग विंड्स है उनको क्रॉस नहीं करने देते। जो वेस्ट बंगाल के विंड्स है वो डिविएट हो जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स पर पानी अपना डालती है। इस तरीके से मिड जुलाई तक पूरे सब कॉन्टिनेंट को मॉनसून कर देता है, तभी तो बारिश हो जाती है। ठीक है, बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, वो बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन होता किस वजह से है। तो बेसिकली तो मैंने बता दिया कि बंगाल वाले रीजन से भी पानी कलेक्ट करके ले जाती है बेस्ट, और ये जो बंगाल के रीजन से पानी कलेक्ट करके ले जाती है ये नॉर्थ वाले
देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में देखेंगे, तो जो वेस्टर्न कोस्ट पे जो पार्ट करता है यहाँ पर रेन ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है. अब ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल ऐसा होता है कि जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न घाट जो साउथ वेस्टर्न विंड्स है उन विंड्स के सामने एकदम खड़े होते हैं कि उन विंड्स को क्रॉस नहीं करने देते हैं. तो विंड्स को करना पड़ता है उन्हें वेस्टर्न घाट के ऐसे ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है विंड्स को. तो जब ये ऊपर चलती है वेस्टर्न कंटेनिंग विंड तो ये ऊपर जाके कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होने के बाद में वेस्टर्न घाट की एक साइड पे तो ये प्रेसिपिटेशन कर देती है. तो ये जो दूसरा साइड हो जाता है ये शैडो साइड हो जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है. देखेंगे ये जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर तो बारिश अच्छे से हो गई. अब इसके जो इधर वाली साइड है, इधर वाली साइड आते आते क्या हो जाता है कि मानसून डिक्लाइन हो जाता है और जो बांग्लादेश बंगाल से जो पानी विंड्स आती है वो विंड्स क्या करती है यहाँ पे तो पानी अच्छे से सप्लाई करती है लेकिन इधर रास्ते पे विंड्स का भी मॉइस्चर सारा लूज होने लगता है. इस वजह से ये वाला एरिया सूखा रह जाता है, इधर यहाँ ये वाला एरिया सूखा रह जाता है. करंट वीक हो गई, वीक होने की वजह से या तो डिलेड मॉनसून होगा या फिर
डाउन होती है एल नीनो के होने के कारण। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ रिजल्ट्स भी दिए गए हैं कि एल नीनो के होने की वजह से कौन से तीन रिजल्ट्स हैं। इन तीन रिजल्ट्स को क्वेश्चन पेपर में एज ए स्टेटमेंट वो पूछ सकता है कि एल नीनो के तीन रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है डिस्टोरेशन ऑफ द इक्वेटोरियल एटमोसफियर, फर्स्ट रीजन हो जाएगा अपना डिस्टोरेशन ऑफ द इक्वेटोरियल एटमोसफियर सर्कुलेशन। जैसे मैंने बताया कि पूरा सर्कुलेशन ही गड़बड़ हो जाता है, जैसे कि पहले ये ऊपर नॉर्मल ईयर पे सर्कुलेशन डिफरेंट होता है और फिर जब एल नीनो ईयर होता है तो सर्कुलेशन डिफरेंट हो जाता है। इस वजह से एटमोस्फेरिक जो सर्कुलेशन है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकेंड होता है कि इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर में इरेगुलरिटीज आ जाती है। अब इरेगुलरिटीज कैसे आ गई, हाई प्रेशर जोन, वीक हाई प्रेशर जोन हो गया, पेरिवियन कोस्ट के बाद में लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, वो वहां पर बारिश कर रही, इंडिया में बारिश हो नहीं रही है। तो इस वजह से जो इवेपोरेशन सी के वाटर में इवेपोरेशन होता है उसमें इरेगुलरिटीज आ जाती है। नेक्स्ट जो इसका रिजल्ट होता है वो ये होता है कि रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन विच फर्दर रिड्यूस नंबर ऑफ फिशेज इन द सी। अब ये कैसा इफेक्ट कर रहा है इनको, तो इसको समझिए कि जो प्लैंकटन होते हैं वो फिशेज का फूड होते हैं। अब प्लैंकटन को ग्रो करने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम क्लाइमेट होता है। एल नीनो की वजह से ये क्लाइमेट डिस्टर्बेंस होता है, क्लाइमेट डिस्टर्बेंस होने की वजह से प्लैंकटन के प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, इसको इतने ज्यादा ग्रो नहीं करते। प्लैंकटन ग्रो नहीं कर रही है तो फिशेज सर्वाइव नहीं कर पा रही है, फिशेज सर्वाइव नहीं कर पा रही है तो ये इंडिया की फिशिंग इंडस्ट्री पे एक इफेक्ट करती है। फिशिंग इंडस्ट्री इनडायरेक्टली इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, तो ये इस तरीके से पूरा इंटर रिलेटेड है। तो ये कैसे इंडिया के मानसून को इफेक्ट करता है। हम रिट्रीटिंग मानसून समझते हैं, तो रिट्रीटिंग मानसून किसे कहते हैं, अक्टूबर नवंबर में जो अक्टूबर नवंबर में नवंबर के मंथ में मानसून जो होता है वो रिट्रीट होता है, यानी मानसून खत्म होने लगता है, पूरा डिक्लाइन होने लगता है। क्यों होता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो वीक हो जाता है, वीक हो जाता है तो लो प्रेशर ट्रफ ऑफ गंगा प्लेन स्टार्टेड गोइंग साउथवर्ड इन द रिस्पांस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सन। अब यहाँ से हम समझते हैं कि विंटर मॉनसून कैसे होता है। विंटर मॉनसून को सबसे पहले क्या इफेक्ट करता है, तो विंटर मॉनसून मॉनसून में क्या होता है, वेदर कंडीशन होती है वो वेदर कंडीशन इन्फ्लुएंस होती है किस वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन द सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे, तो हम वार्म टेम्परेट वाले मैप पे आते हैं वापस। तो ये जो वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया है यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर रीजन होता है, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाई प्रेशर रीजन होता है। ये हाई प्रेशर रीजन क्या करता है, नॉर्थ ऑफ द हिमालयस ये मूव करता है, नॉर्थ ऑफ द हिमालयस, हिमालयस की साइड। इसके मूवमेंट के पीछे भी आईडी सीजेड का शिफ्टमेंट है, आईडी सीजेड के शिफ्टमेंट को देखते हैं कि विंटर में आईडी सीजेड कैसे शिफ्ट हो जाता है। अब ये हो गया हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर पे समर के टाइम पे होता है आईसीसीजेड। अब जब रिवॉल्यूशन हो रहा है तो दिसंबर नवंबर दिसंबर के आसपास, यानी अक्टूबर से ही हम समझे, तो अक्टूबर से क्या है आईसीसीजेड डाउनवर्ड मूव करने लगता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की साइड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की साइड ये मूव करने लगता है। तो अब क्या होगा कि जो वाटर वाला वाटर है ये वाटर हीटअप होगा, ये हीटअप होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। इस वजह से हमारे जो विंटर मानसून है वो विंटर मानसून इस वजह से होता है कि तीन लो प्रेशर जोन क्रिएट होने लगते हैं। किस वजह से, क्योंकि आईटी सीजन हमारा जो पूरे प्रेशर बेल्ट को लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के साइड शिफ्ट हो रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के साइड शिफ्ट होने की वजह से जो सोलर इंसुलेशन है वो सोलर इंसुलेशन से नीचे यानी साउथवर्ड साइड ज्यादा इफेक्ट करेगी, साउथवर्ड साइड इफेक्ट करेगी तो वो टेम्परेचर ओशन के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, और वो ओशन के टेम्परेचर को इंक्रीज करना मीन्स लो प्रेशर जोन क्रिएट करना। यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है और जो वेस्टर्न एशिया में हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, वेस्टर्न एशिया का हाई प्रेशर जोन क्या करेगा, ये लो प्रेशर जोन के साइड मूव करेगा। ये जो
लो प्रेशर जोन के साथ बोर्ड कर रहा है, तो हमने पढ़ा था कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी होती है, तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीड में मूव करने वाली विंड होती है अपर सर्कुलेशन में, तो वो क्या करेगी इन वेस्टर्न जो हाई प्रेशर की जो विंड्स है इन विंड्स को वो और फोर्सफुली इंडिया की तरफ शिफ्ट करेगी, ठीक है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। तो इस वजह से क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंटल विंड्स जो ये आती है ये कॉन्टिनेंट से होके आ रही है, तो ये कॉन्टिनेंट से होके आ रही है तो ये ड्राई विंड्स होती है, ये ड्राई विंड्स होती है तो ड्राई विंड्स तो अपना प्रेसिपिटेशन करेगी नहीं, तो इस वजह से क्या होता है इनका जो कॉन्टेक्ट जोन होता है वो स्टेबल नहीं होता है उतना। तो ये जो विंड्स है ये यहाँ पे तिब्बत प्लेटियो के पैरेलल विंड्स होती है, ये पैरेलल होने की वजह से क्या होता है कि ये एक तो इधर शिफ्ट हो जाएगी, इधर शिफ्ट हो जाएगी, इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये गंगा प्लेन्स में शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ प्रेसिपिटेशन करेगी। अब इनके प्रेसिपिटेशन के पीछे रीजन क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक कंडीशन, बे ऑफ बंगाल के जो साइक्लोनिक कंडीशन होती है वो भी इन विंड्स को अफेक्ट करती है, जब वो इन विंड्स को अफेक्ट करती है तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है, तो नॉर्दर्न रीजन में प्रेसिपिटेशन होगा, नॉर्थ रीजन प्रेसिपिटेशन होने के बाद में वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कलेक्ट कर इधर प्रेसिपिटेशन करेगी तमिलनाडु वाले रीजन में, तो होता है रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि जब विंटर सीजन में मेडिटेरेनियन सी के आसपास हाई प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से वो जो मूवमेंट है वो मूवमेंट लो प्रेशर जोन की तरफ शिफ्ट होता है, और उस शिफ्टमेंट की वजह से इंडिया में अगेन विंटर में बारिश होती है, और इस बारिश की वजह से क्या होता है कि ये बारिश क्रॉप के लिए काफी फायदेमंद होती है, जो पंजाब में वीट की क्रॉप लगाई जाती है उस क्रॉप के लिए फायदेमंद होती है बारिश, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ नॉर्मल शावर्स होते हैं जिनपे क्वेश्चन बेस्ड होता है, ये मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं नोट्स में, आप जब पढ़ेंगे ना एक बार तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब क्लाइमेटिक रीजन कैसे डिवाइड होते हैं, तो ये मैंने कोपियन क्लासिफिकेशन वर्ल्ड क्लाइमेट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अब जब ये टेबल को और इस मैप को आप रिलेट करेंगे तो आपको क्लाइमेटिक का रीजन और कैसे डिवाइड हुए कोपियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो आप इसको रिलेट कीजिएगा। जैसे नॉर्मल शावर्स होते हैं, नॉर्मल शावर्स को हम देख लेते हैं, मैंगो शावर्स होती है, ये मैंगो शावर्स प्री मानसून शावर्स होती है जो कि केरला और कर्नाटक कोस्ट में ज्यादातर होती है, और ये प्री मानसून शावर्स होती है, कि जो हमारे मानसून है उसके पहले की शावर क्रिएट होती है, ये मैंगो के राइपनिंग में अच्छी होती है इसलिए इन्हें मैंगो शावर कहते हैं। ब्लॉसम शावर्स होती है तो ये केरला के नियर बाय एरिया में होती है, ये कॉफी के फ्लावर्स को ब्लॉसम करने के लिए अच्छी होती है इसलिए इन्हें ब्लॉसम शावर्स कहते हैं। इसे पढ़ने का रीजन कि वो मेसोपोटामिया में या फिर ऐसे वो क्वेश्चन दे देगा कि मैंगो शावर्स किस एरिया की है, केरला की है, तमिलनाडु की है, जो लो होती है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में होती है, साउथर्न प्लेन्स में होती है, तो इस टाइप से वो दे देगा, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा कोई एक्सप्लेन कर नहीं। ये सारा क्लाइमेट एल नीनो और समर मानसून कैसे होता है, विंटर मानसून कैसे होता है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसके, एल नीनो कैसे होता है, किसी का अगर कोई भी डाउट हो कोई डाउट किसी का नहीं है नो सर। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है आशा, आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। यस सर है ना गुड ओके चलो एक बजने वाला है तो इसलिए हम ठीक है यहीं तक, कल हमारा ये खत्म हो जाएगा ना, कल माधुरी मैम। हेलो सर। हाँ नीपू। हेलो सर। हाँ बताइए सर। ये तमिलनाडु रीजन जो है वो रिट्रीटिंग मानसून से ही बारिश होता है ना? हाँ यही कंफर्म करना था डाउट। चेन्नई में
अकाल जैसी स्थिति हो जाती है गर्मियों में। ठीक है ओके। तो देखिए कल हमारा नेचुरल रिसोर्सेज और पॉपुलेशन, यार ये पॉपुलेशन किसका था? अंजलि मैम ने लिया था शायद। अच्छा ओके ठीक है। तो कल नेचुरल रिसोर्सेज माधुरी और अनु का है ना? यस यस सर, मेरा सॉइल एंड रॉक है। अच्छा आपका और मेरा सर नीकू, आपका रॉक एंड मिनरल्स है। मेरा अच्छा सॉरी इनका नीकू, तेरा क्या है? वही तो नहीं पता हमारा क्या है। अरे फिर वही, फिर अभी नहीं सर, उस दिन मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था, कुछ काम आ गया था। तो अभी यूट्यूब में जा रहा है वीडियो, नहीं तो मैं ये तो मालूम करो क्लास लगती है। नहीं है सर टॉपिक मेरा। हां टॉपिक नहीं है सर। ठीक है चलो, ठीक है तो फिर चलो फिर मिलते हैं 4 बजे मेडिवल हिस्ट्री में। थैंक यू मैम, नाइसली अटेम्प्ट एंड थैंक यू दिव्या मैम। गुड थैंक यू सर। ये मैं जो यूट्यूब पॉइंट ऐड करना था। जी जी बताइए। तो जो ये मोहेश्वरम है खासी हिल्स में, इधर हाईएस्ट रेनफॉल होती है वर्ल्ड की। हाँ। सदर्न रेंज ऑफ खासी हिल मोहेश्वरम, वहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट रेनफॉल होती है। और जो काल बैसाखी है ये अपने वेस्ट बंगाल की मतलब लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म है। हाँ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मतलब ऐसे पर्टिकुलर स्टेट या। तो दिव्या मैम ने यही बताया कि मानेसराम में, ठीक है, जो कि खासी हिल्स में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन ये दोनों पूछ सकते हैं, और दूसरी चीज़ है कि काल बैसाखी। ठीक है चलिए, सो थैंक यू सो मच टू यू टू ऑल। थैंक यू सर। कल जिन जिन का भी टॉपिक है वो लोग अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे। एक मिनट रुकिए, रिकॉर्डिंग रोक दूँ।